हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल में दोस्तों लाइव वायर का पैकेज यूज़ करके हम स्लग जनरेट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि लाइव वायर का पैकेज यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्लग कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बेसिकली ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे स्लग जनरेट करने के लिए ये पैकेज हम यूज़ करेंगे स्लग का, ठीक है। तो अभी कुछ लारावेल में कुछ नया है, लेटेस्ट है, ठीक है, तो वो यूज़ हम करेंगे। तो लारावेल 9 में दोस्तों ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं, लाइव वायर का पैकेज डाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों कॉम्पोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर स्लैश लाइव वायर ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पहले आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में डाल लेना है, कॉम्पोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर। लाइव वायर तो अपने हिसाब से ये जो लाइव वायर का जो पैकेज है वो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये जो पूरा स्लग का जो मैंने पैकेज आपको दिखाया वो इंस्टॉल करना है, तो वो भी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कमांड है, उसको हम कॉपी करते हैं सिंपली, और यहाँ पे ये जो हमारा लाइव वायर का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगेगा पैकेज इंस्टॉल होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे दोस्तों ये स्लगेबल का जो पूरा पैकेज है वो यहाँ पे डालेंगे हम, स्लगेबल का पैकेज। तो यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं स्लग का। उसके बाद ये जो वेंडर पब्लिश करना पड़ेगा कन्फिग वाली में, तो ये चीज़ पहले कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा वन बाई वन क्या करना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हम एक माइग्रेशन बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे ब्लॉग नाम का, उसमें पूरा ये सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्लगेबल का जो पैकेज है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा स्लगेबल का जो पैकेज था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ पब्लिश कर देनी है, तो ये कमांड चला देना है। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मॉडल बनाना है, PHP आर्टिजन मैक कॉलन मॉडल, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग का मॉडल बनेंगे, उस साथ साथ माइग्रेशन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन और मॉडल दोनों साथ साथ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको करना है। यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग का जो मॉडल बना है उसमें पूरा सेटअप करना है, तो वो चीज़ मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ब्लॉग का जो मॉडल बना है उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे स्लगेबल का जो पूरा है वो यहाँ पे यूज़ कर लेना है स्लगेबल, और यहाँ पे हैज़ फैक्ट्री रहने देना है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोटेक्टेड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हम फील्ड बनाएंगे डेटाबेस में, तो यहाँ पे वो पहले लिख देते हैं कौन सा फील्ड बनाएंगे। वन बाय वन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम ब्लॉग टाइटल नाम का एक फील्ड बनाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्लग नाम का एक दूसरा फील्ड बनाएंगे। तो ये चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लगेबल का जो पूरा एक मेथड है वो चीज़ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये चीज़। तो ये यहाँ से ले लेते हैं, वो यूज़ जो है वो स्लगेबल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो चीज़ हैज़ फैक्ट्री के बाद स्लगेबल भी रख देते हैं। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे हमारी स्लगेबल और हैज़ फैक्ट्री यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे दोस्तों हमारा जो माइग्रेशन है उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हमारा ब्लॉग नाम का अभी नया जो माइग्रेशन बना है वो होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ दो चीज़ करना है, एक जो हमें ब्लॉग का टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ब्लॉग का टाइटल लेना है। उसके बाद स्लग जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्लग लेना है। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे माइग्रेट कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे हम माइग्रेट करते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। माइग्रेट करने के बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या करना है आपको, आर्टिजन माइग्रेट। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टली web.php में मूव हो जाना है। यहाँ पे दोस्तों ये इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अपना जो एक राउट बना देते हैं, राउट कॉलन कॉलन व्यू। यहाँ पे लारावेल में जो नया मेथड है उसको यूज़ करते हैं, स्लैश जनरेट हाइफन स्लग, और यहाँ पे दोस्तों लाइव वायर डॉट वेलकम, ये चीज़ हो गई। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे लाइव वायर का कंपोनेंट बनाना है, तो यहाँ पे कर देंगे PHP आर्टिजन मैक कॉलन लाइव वायर ब्लॉग हाइफन कॉम्पोनेंट। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट आपका बन जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है रिपोजिटरी करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम नो कर देते हैं। तो ये चीज़ हो जाने के बाद हमारा जो कॉम्पोज ब्लॉग कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पे
आपको मिल जाएगा रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, लाइव वायर, तो यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लॉक कंपोनेंट जो मिला है उसके अंदर आपको सारा जो कोड है वो करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, HTTP के अंदर भी लाइव वायर का जो पूरा सेटअप यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट बन गया है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आपको ब्लॉक कंपोनेंट जो बना है उसके अंदर हम कोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट जो .php फाइल यहाँ पे बना है उस पर पहले कोड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, लाइव वायर का जो नेम स्पेस है वो दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कंपोनेंट जो है वो भी दिया गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है, जो मॉडल है उसको हम यूज़ करेंगे, ऐप स्लैश, और यहाँ पे जो हमारा मॉडल, मॉडल्स के अंदर दोस्तों हमारा ब्लॉग। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लगेबल का जो पूरा वो था वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। स्लग सर्विसेज करके होगा कुछ, वो चीज़ यहाँ पे है शायद, यहाँ पे देखा था। ओके, ये चीज़ थी, देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ कर देनी है सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको अभी ये जो पूरा कोड है वो यहाँ पे पूरा सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो भी वेरिएबल होगा उसको हम पब्लिक लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल, और यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल स्लग, तो इसको हम यहाँ पे पब्लिक कर दे रहे हैं। ये चीज़ हो जाने के बाद आपका जो रेंडर है उसमें यहाँ पे थोड़ा पूरा सेटअप कर देते हैं डॉलर ब्लॉग्स करके, ठीक है, इक्वल टू ब्लॉग हमारा कॉलन कॉलन लेटेस्ट। मैं आपको दोस्तों बाद में आपका रन करके दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको बेसिकली करनी है, ठीक है। 7, और यहाँ पे दोस्तों गेट मेथड। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्लॉग नाम का वेरिएबल बना है उसको यहाँ पे कॉम्पोनेंट में डाल देना है, तो कॉम्पैक्ट करके जो वेरिएबल आगे पास करना है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों जनरेट स्लग करना है, तो पब्लिक फंक्शंस जनरेट स्लग, ये चीज़ कर देना है, इसको ब्लैंक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डॉलर दिस स्लग, ठीक है, स्लग नाम का वेरिएबल हमने ऊपर रखा है, इक्वल टू स्लग सर्विसेज कॉलन कॉलन क्रिएट स्लग, ये चीज़ यूज़ करेंगे। और हमारा जो ब्लॉग मॉडल है उसमें पूरा स्लग डालना है, तो उसका टेबल वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे उसकी कॉलम स्लग नाम की कॉलम, ठीक है, टेबल आ गया स्लग नाम की कॉलम, और यहाँ पे ब्लॉग टाइटल जो है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डॉलर थीस, मतलब ये दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो जनरेट जो स्लग होगा, ठीक है, वो इस हिसाब से होगा कि आपका जो ब्लॉग का टाइटल है, ब्लॉग है आपका, मतलब आपका जो टेबल है ब्लॉग का टेबल, उसमें स्लग नाम की कॉलम से चेक हो करके आपका जो पूरा स्लग है वो बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे फंक्शंस कर देते हैं एक और, उसका नेम देते हैं स्टोर, और यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक सिंपली यहाँ पे एक चीज़ कर देते हैं ब्लॉग क्रिएट कॉलन कॉलन क्रिएट, उसके अंदर दोस्तों ये चीज़ करना है हमको वन बाय वन, तो वो चीज़ यहाँ पे कर दे रहे हैं। ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पे डॉलर थीस ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पे स्लग आएगा, तो ये चीज़ स्लग, और यहाँ पे भी स्लग। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो ब्लॉग कंपोनेंट हमने यहाँ पे जो फाइल बनी थी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव वायर के अंदर, देखिए यहाँ पे उस पर अभी कोड करने की बारी है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे वन बाय वन हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर दोस्तों यहाँ पे वायर कॉलन सबमिट, और यहाँ पे दोस्तों प्रीवेंट इक्वल टू स्टोर नाम का फंक्शन जो है उसमें हम पूरा जाएंगे। तो यहाँ पे स्टोर का फंक्शन, मतलब जब भी ये दोस्तों हम फॉर्म जो है उसको हम जब भी स्टोर करेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है स्टोर नाम का फंक्शंस में जाएगा। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वन बाय वन कर देना है, यहाँ पे DAV ले लेना है सिंपली, उसको क्लास दे देना है, क्लास के अंदर फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप के अंदर दोस्तों यहाँ पे लेबल देना है, लेबल में फॉर करके कुछ दे सकते हैं, ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल ये चीज़, और यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग टाइटल के बाद क्लास MB2, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग में ये चीज़ कर देनी है आपको, स्ट्रॉन्ग टैग में यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग हो गया ख़त्म। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेबल भी ओवर कर देना है, लेबल ओवर करने के बाद आपको यहाँ पे DAV एक और नया ले लेना है, कि उस DAV में पूरा सेटअप कर देना है। DAV में दोस्तों यहाँ पे क्लास कॉल MD दोस्तों यहाँ पे 12 और MB3, मतलब नीचे
जो पिक्सल छूटेगा मार्जिन बॉटम 3। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ होने के बाद यहाँ पे इनपुट लेना है सिंपली। इनपुट में यहाँ पे वायर कॉलन मॉडल ये चीज़ कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल जो हमारा फीड का नेम था वो देना है, सिंपली टाइप टैक्स देना है, ठीक है। नेम जो यहाँ पे है उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे दोस्तों एरर नाम का वेरिएबल लारावेल में अगर मुझे ब्लॉग टाइटल में एरर मिलता है, ठीक है, ब्लॉग टाइटल में, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज़ करूँगा इज़ हाइफन इनवैलिड, ये क्लास है बूटस्ट्रैप का, तो वो चीज़ यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पे दोस्तों एट द रेट एंड एरर, ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो फोकस कर देते हैं ताकि अपने आप फोकस हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लॉग टाइटल में जो भी एरर मिलेगा वो यहाँ पे रखना है, तो एट द रेट एरर, और यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल, और यहाँ पे एट द रेट एंड एरर। ये चीज़ हो जाने के बाद इसके अंदर आपको कोड करना है। स्पान टेक लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपली क्लास के अंदर कर देता हूँ इनवैलिड फीडबैक, और यहाँ पे दोस्तों स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैसेज डॉलर मैसेज देना है, तो मतलब जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डीएवी यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डीएवी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये जो डीएवी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नया डीएवी लेना है, ठीक है। उस डीएवी में आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, क्लास कॉल MD12। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे दूसरा क्लास डीएवी क्लास, उसके अंदर डी ग्रिड कर देते हैं, डी ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बटन देंगे हम सबमिट करने के लिए, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्लास देंगे BTN, ठीक है, डार्क ये चीज़। और यहाँ पे दोस्तों जो नीचे है लिखा हुआ है क्रिएट ब्लॉग, ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा वो जो फॉर्म है उसके बाद हमारा यहाँ पे टेबल लेना है, तो सिंपली यहाँ पे टेबल लेते हैं। टेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे टेबल टैग टेबल क्लास देते हैं MT5, मतलब मार्जिन टॉप 5। उसके अंदर यहाँ पे टी हेड, ठीक है, टी हेड के अंदर दोस्तों यहाँ पे TR, और यहाँ पे TH लेंगे TR के अंदर हेडिंग है, तो TH, अदरवाइज TD लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पे TH। TH में दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग टाइटल, और यहाँ पे दोस्तों स्लग। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टी बॉडी कर देना है, तो टी बॉडी में जो हमने यहाँ पे दिया था दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ब्लॉग वेरिएबल दिया था वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पे सेटअप कर देना, तो यहाँ पे सिंपली एट द रेट पहले फॉरिच लूप चला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल ब्लॉग्स नाम का एज डॉलर ब्लॉग, ये चीज़ हो जाने के बाद एड फॉरिच, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों TR के अंदर आपका जो ब्लॉग टाइटल और स्लग है वो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग टाइटल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्लग एंड फॉर इच, ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो टेबल और टी बॉडी है वो यहाँ पे और हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा सेटअप करना है बूटस्ट्रैप का, वो चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक काम करेंगे, welcome.blender.php लाइव वायर में आपको बनानी है, रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर लाइव वायर के अंदर welcome.blender.php बनानी है, तो यहाँ पे सिंपली ये फाइल बना देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहले ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई थी, देखिए लाइव वायर के अंदर वेलकम, तो यहाँ पे दोस्तों वेलकम वाली जो फाइल है वो यहाँ पे बनानी है welcome.blender.php। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों सिंपली HTML हमारा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों टाइटल में इम्प्लीमेंट स्लग यहाँ पे लिखते हैं, स्लग इन लारावेल लाइव वायर एग्जांपल, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों लिंक कर देना है सिंपली, तो यहाँ पे लिंक करते हैं, हमारा CDN लेते हैं NPM बूटस्ट्रैप 5 का CDN, शायद वही यूज़ करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप मिंट, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं बूटस्ट्रैप 5 CDN, सीधा यहाँ से उठा लेते हैं
CDN आपको यहाँ पर डालना है, तो वो चीज़ पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे CDN जो ऑलरेडी दी गई है उसको कॉपी करते हैं सिंपली, ठीक है। CDN दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली हमने पुट किया, उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अपना जो लाइव वायर का पूरा सेटअप है वो यहाँ पे कर देना है, @livewirestyles। तो ये दोस्तों यहाँ पे स्टाइल का एस कैपिटल शायद कैपिटल आएगा, लाइव वायर स्टाइल्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद हेड के यहाँ पे और कर देना है, और यहाँ पे डी ए भी नया लेना है। तो यहाँ पे क्लास कंटेनर के अंदर सारा करेंगे, कंटेनर MT3, और यहाँ पे दोस्तों @ इफ़ कंडीशन डालते हैं, उसके अंदर सेशन, यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे सेशन मिलता है हैश, उसके अंदर मैसेज मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज़ कर दूँगा एंड इफ़। और यहाँ पे दोस्तों DAV क्लास अलर्ट प्राइमरी चीज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी के अंदर दोस्तों यहाँ पे सेशन के अंदर जो भी मैसेज होगा वो भी यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों सेशन के अंदर मैसेज नाम का कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक कंपोनेंट है वो यहाँ पे कॉल करना है, तो सिंपली यहाँ पे @livewire, ठीक है। और यहाँ पे अपना blog/component, तो यहाँ पे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे कॉल कर देते हैं ब्लॉक कंपोनेंट, ठीक है। ब्लॉक कंपोनेंट यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे दोस्तों DAV के बाद हमारा स्क्रिप्ट होगा वो आएगा @livewire स्क्रिप्ट होगा, SC स्क्रिप्ट हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपका लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रन करना है, ठीक है, और देखना है कि जो हमारा चीज़ है वो रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी हमारा लारावेल 9 का सब डोमेन हमने वर्चुअल होस्ट बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लारावेल हमने बनाया था स्लग जनरेट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको यहाँ पे बेसिकली रन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ रन करते हैं, जनरेट स्लग। शायद यहाँ पे मेरा कुछ छूट गया है वगैरह, वो भी देख लेता हूँ मैं, कहीं पर प्रॉब्लम रह गया है शायद लाइव वायर वेलकम डॉट ब्लेड और PHP के अंदर शायद ये चीज़ है। सेशंस के बाद एंड इफ किया है शायद, ओके सेशंस ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है सेशंस, और शायद यहाँ पे सेशंस हैज़ ये भी सही है मैसेज, और यहाँ पे सेशन और यहाँ पे मैसेज ये भी सही है, शायद यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके शायद यहाँ पे गलत होगा ब्लॉक कंपोनेंट में। ओके यहाँ पे हमने तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पूरा है वो रन हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ बार बार करके देख सकते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा कुछ डाला तो यहाँ पे रेंडर हो के पूरा। ओके यहाँ पे कुछ स्लग कैन नॉट बी नल, ये चीज़ स्लग कैन नॉट बी नल, आपको यहाँ पे शायद स्लग में नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं स्लग जो नहीं मिल रहा है वो कैसे, मतलब क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लॉक किया यहाँ पे स्लग आया, पब्लिक स्लग यहाँ पे स्लग वेरिएबल बनाया, जनरेट स्लग किया, और यहाँ पे दोस्तों स्लग जो बनाया उसको यहाँ पे स्टोर किया सिंपली। शायद यहाँ पे कोई गलत तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोस्तों जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो शायद मुझे यहाँ पे मॉडल में लग रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों टाइटल जो दिया है उसको हम ब्लॉक टाइटल, क्योंकि सोर्स जो होगा स्लग का वो ब्लॉक टाइटल से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोस्तों ये ताल्लुक रखता है, ठीक है। अभी दोस्तों ये हो जाने के बाद इसको हम वापस एक बार रन करके देखते हैं कि कहीं प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। रिफ्रेश किया सिंपली, यहाँ पे दोस्तों डाल के देखते हैं धर्मेश, ठीक है। क्रिएट ब्लॉक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा स्लग जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम कैपिटल में डाल के देखते हैं धर्मेश ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे स्लग दोस्तों ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कि ये जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं, ब्लॉक राइटर जो है, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि ये जो क्लियर होता है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं ब्लॉक टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक टाइटल जो है वो क्रिएट हो गया, और यहाँ पे नल भी हो गया। तो दोस्तों ऐसे कुछ बनता है स्लग। तो दोस्तों बेसिकली ऐसे कुछ वो स्लग बनता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे अगर मैं लारावेल और डालता हूँ
तो लारावेल फोर करके ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब हर बार यूनिक जो स्लग है वो ऐसा कुछ बनता है। तो दोस्तों ये बेसिकली ये पैकेज बहुत ही बढ़िया है, ये पैकेज यूज़ करके स्लगेबल पूरा फंक्शनलिटी यूज़ करके आप अपने हिसाब से स्लग एवरी टाइम यूनिक जनरेट करना होता है, तो आप लारावेल में ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिखाया वो लारावेल लाइव वायर के साथ यूज़ करके मैंने आपको स्लगेबल जो फंक्शन है वो दिखाया, तो आप अपने हिसाब से कोई कैसे भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। लारावेल में आप सिंपली तरीके से यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, और मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव वायर में पूरा करके दिखाया कि कैसे यहाँ पे स्लग जनरेट होता है और कैसे ब्लॉग मैंने जो यहाँ पे टाइटल डाला और यहाँ पे कैसे स्लग जनरेट हुआ। तो बेसिकली दोस्तों आप ऐसा चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।